यूपी में साल 2007 के दौर में जब मायावती सरकार में आई तो सूबे में रोजगार और विकास का तो पता नहीं, लेकिन बहन जी ने अपनी मूर्तियां बनवाने पर खासा ध्यान दिया था। उन्होंने यूपी में कई जिलों में पार्कों का निर्माण कराया और सरकारी खाते से इन पार्कों में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाई। बसपा सुप्रीमो की इस मनमानी को सरकारी खजाने का दुरुपयोग बताते हुए रविकांत नाम के एक शख्स ने साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को सरकारी खजाने का पैसा वापस लौटाने का निर्देश दिया था, लेकिन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया। आज एक हलफनामा दायर कर बहन जी ने कोर्ट को बताया कि वो कैसे ये पैसे नहीं लौटाएगी। दरअसल अपने कार्यकाल के दौरान मायावती ने पूरे यूपी में कई जगहों पर पार्कों का निर्माण कराया था, जिनमें उन्होंने अपनी और बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां लगवाई थी। बाद में अखिलेश सरकार ने मामले की जांच लखनऊ विकास प्राधिकरण से करवाई। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बनाए गए पार्कों पर करदाताओं ने कुल 5,919 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर बसपा ने चुनाव चिन्ह हाथी की पत्थर की 30 मूर्तियां और कांसे की 22 मूर्तियां लगाई है, जिनमें 685 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इन पार्कों और मूर्तियों के रख रखाव के लिए 5,634 कर्मचारी बहाल किए गए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के वकील से कहा था कि अपने क्लाइंट को मूर्तियों पर खर्च सभी पैसों को सरकारी खजाने में जमा कराने को कहिए। सुनवाई के दौरान की गई सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का जवाब मायावती ने आज हलफनामे के जरिए दिया है। बहन जी ने अपना पक्ष रखते हुए पैसा लौटाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि पार्कों में लगाई गई उनकी मूर्तियां जनता की इच्छा को दर्शाती है। विधानसभा के विधायक चाहते थे कि कांसीराम और दलित महिला के रूप में मायावती के संघर्षों को दर्शाने के लिए मूर्तियां स्थापित की जाए। हाथी केवल बसपा का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे भारतीय पारंपरिक कलाकृतियों के चिन्ह हैं। मायावती ने कोर्ट से कहा कि अन्य राजनीतिक दल भी अपने राजनेताओं की मूर्तियां लगवाते हैं, जो कि उन राजनेताओं के प्रति चाह और समर्थन को दर्शाता है। मूर्तियों के खिलाफ दाखिल याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित है। मूर्ति के मुद्दे से जनता को कोई मतलब नहीं है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।